हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने वर्क स्पेस को कैसे कस्टमाइज करते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए अब तक जो हमने आपको बताया था, चूज करने के लिए, यानी प्रीमियर प्रो ने आपके लिए कई सारे वर्क स्पेसेस को सेव करके रखा है, उसमें से आप किसको चूज करेंगे। और उसके बाद बारी आती है कि यदि आपने वर्क स्पेस चूज कर लिया है, इसके बावजूद आप चाहते हैं उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप कैसे करें। मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर विंडो में ही आप जब वर्क स्पेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपके लिए चार पांच ऑप्शन और दिए गए। रिसीट टू सेव लेआउट, सेव चेंजेस टू दिस वर्क स्पेस, सेव एज न्यू वर्क स्पेस, एडिट वर्क स्पेस। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको और दिए गए हैं जिनको यूज करके आप वर्क स्पेसेस, डिफॉल्ट वर्क स्पेसेस को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। ये जो आपको एक ट्रायंगल, ये आपको दिख रहा है ना, एक आइकन दिख रहा है, ये आपका मेनू होता है, वर्क स्पेस मेनू से बोलेंगे। यहाँ पर भी आपको चारों ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको विंडो में जाके मिलते हैं। यहाँ पर एक और आइकन आपको दिखाई पड़ता है, ये बेसिकली इसको चेवरान आइकन बोलते हैं। दो आपको एरो राइट की तरफ दिखते हैं, इसका मतलब होता है इसके अंदर कुछ स्पेस ऑलरेडी हाइड है, तो आप इस पर क्लिक करके हाइड हुए ऑप्शंस को आप ओपन कर सकते हैं। ये जो है ट्रायंगल, ये जो तीन लाइनें आपको दिखती हैं, जहां पर भी आपको तीन लाइनें दिख जाएं, इसका मतलब वहां पर कुछ इससे रिलेटेड ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जहां भी मिलेंगे, जहां पर भी ये आइकन दिख जाएगा, इसका मतलब वहां पर कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आप वहां क्लिक करके नए ऑप्शंस, उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जो हम राइट क्लिक करके बेसिकली ऑप्शन लाते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये मेनू दे दिया जाता है। हर ऑप्शंस के पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए एक मेनू होता है कि उस पर और क्या क्या काम किया जा सकता है, उसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पर रहता है इस तरीके का। रीसेट टू सेव्ड लेआउट, यानी बेसिकली क्या होता है, ये इस समय सेव्ड है कलर वाला, लेकिन आपने क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए अपनी आवश्यकता अनुसार, या किसी को कहीं पर भी एडजस्ट कर दिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि रियल में जो वर्क स्पेस था, कलर वर्क स्पेस वाला, उसमें आप फिर से जाना चाहते हैं, तो आप इस मेनू पे क्लिक करेंगे तो रीसेट टू सेव्ड लेआउट पे क्लिक करेंगे तो जो इसका ओरिजिनल में वर्क स्पेस प्रीमियर प्रो ने दिया है सेव करके, उस पर आप पहुंच जाएंगे। ये उस समय जरूरत पड़ती है उस मोड में या उस वर्क स्पेस में जब आपने वर्क स्पेस में कोई चेंजेस किए हैं, उस समय आपको इस ऑप्शन की आवश्यकता होती है। सेव चेंजेस टू वर्क स्पेस, यदि आप ये चाहते हैं कि जैसे हमने विंडो को, कलर विंडो को बड़ा कर दिया है, और आप चाहते हैं कि ये इन फ्यूचर जब हम ओपन करें ये इसी तरीके से ओपन हो, तो आप चाहें तो इस ऑप्शन को यहाँ पर सेव चेंजेस टू दिस वर्क स्पेस, यानी जो आपने चेंजेस किए हैं उसको आप इस वर्क स्पेस ऑप्शन के साथ में सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर सेव चेंजेस टू दिस वर्क स्पेस। लेकिन इसका ऑप्शन का यूज करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर जब भी आप कलर वर्क स्पेस में यूज करेंगे तो ये इसी रूप में आएगा, ना कि पुराने वाले में जैसा कि कंपनी ने दिया है। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि ऐसा चेंज करना है तो आप इसको ना करके, हम आपको कहेंगे इसको ना करिए, आप सेव न्यू वर्क स्पेस कर लीजिए। यहाँ पर आप चाहें तो नया वर्क स्पेस सेव कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन आप इसको सेव कर सकते हैं कलर के रूप में। तो जब आप यहाँ पर देख रहे हैं असेंबली होता है, कलर होता है, तो यहाँ पर आपको वो वर्क स्पेस भी मिल जाएगा। तो जब आप कलर पे जाएंगे तो देखिए अभी कलर में वो वर्क स्पेस मिला जो हमने चेंजेस किए हैं। जैसे एडिटिंग में चले गए, इफेक्ट में गए, ये हो गया, फिर हम कलर पे चले गए, ये वही भी डिफ़ॉल्ट आएगा जो हमने चेंजेस किए हैं, क्योंकि हमने इसको हटाया नहीं है। तो अब हम चाहते हैं कि कलर वाला रिसेट सेव में चला जाए, और अब आप देखिए यहाँ पर आपको मंत्रा कलर मिल जाएगा। ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वर्क स्पेस मिलेगा जो आपने कलर को मॉडिफाई किया था, इस पर आप करेंगे तो वो आपको मिलेगा जो कंपनी ने आपको, प्रीमियर प्रो ने आपके काम करने के साथ में वर्क स्पेस दिया है। इस प्रकार से आप किसी भी वर्क स्पेस को एक नए तरीके से यदि आप करना चाहते हैं या मॉडिफाई करके अपने हिसाब से वर्क स्पेस को एडजस्ट करना चाहते हैं और उसको सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होता है सेव न्यू वर्क स्पेस। ये हर किसी ऑप्शन के साथ में यहाँ से भी एडजस्ट किया जा सकता है, और जो आप यहाँ पर काम करेंगे, जो ऑप्शन आपने यहाँ पर वर्क चूज करेंगे, हर ऑप्शन के साथ में ये आपको मेनू आइकन मिलेगा, यहाँ से आप इसको चेंज
कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलता है एडिट वर्क स्पेस। एडिट वर्क स्पेस में आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं जो आपके पास वर्क स्पेसेस कंपनी ने आपको दिया है। आप चाहें तो इन वर्क स्पेस को किसी को भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपके पास यहाँ पर वो ऑप्शंस दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो इनके लिए आप वर्क स्पेसेस को सेट कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, उनको रीसेट कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसी आपकी आवश्यकता वैसे हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप वर्क स्पेस के जो डिफ़ॉल्ट आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, और उसमें भी आप उनको भी एक नए रूप में, नए नाम से एक नया ऑप्शन आप दे करके उनको सेव कर सकते हैं। जो आपको वर्क स्पेस में जो आप नया बनाया है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके, इसका शॉर्टकट ऑटोमेटिक बन जा रहा है, इसको इस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने वर्क स्पेस को कस्टमाइज करके कर सकते हैं और उसके अलग से अपना ही प्रीसेट बना सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें सोशल मीडिया में Facebook एंड Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।